ठीक है, चलो हमारा सर्वर पहले ये चल नहीं रहा था, कुछ में भी इशू था इसके अंदर, या तो इंटरनेट की प्रॉब्लम हो या बेसिस का कुछ इशू हो, बट ये अभी चल गया है। तो हमारा जो कंसेप्ट है कल हमने किया है, थोड़ा उसको ओवरव्यू करके हम आगे बढ़ते हैं, और जो भी हमारा मतलब में कल बचा था जहाँ से हमने छोड़ा था उसके बाद अब आगे लेके चलते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आता हूँ एक्सेल के अंदर। एक्सेल के अंदर अगर आप आओगे यहाँ पे, मैंने आप लोगों को ये पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का कम्प्लीटली बता दिया था, इसमें कोई इशू नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए मेरे को लग रहा है। और उसके बाद हमने क्या किया था, मेटेरियल मास्टर किया था, एक फिस्कल ईयर का किया था। फिस्कल ईयर के साथ में आज मैं थोड़ा विकास भी मेरे साथ में ही है, मैं इनको भी बोलूंगा कि एड ऑन करेंगे, कि जैसे विकास थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन करना, फिस्कल ईयर को कैसे असाइन करते हैं और कैसे करते हैं। जैसे अभी हमारा मैंने कंपनी कोड के साथ में क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले अपना कंपनी कोड के साथ में मेटेरियल मैनेजमेंट के अंदर फिस्कल ईयर को ऐड कर रहा हूँ। जैसे अभी 7वां महीना चल रहा है, लेकिन मैंने वहाँ पे 4 डाला था, वो पीरियड का एक बार मैंने एग्जाम्पल इनको लोगों को देके समझा दिया था। बट वो V3 आप जैसे डालते हो हमारा पोस्टिंग पीरियड से पहले, कि मेरा मार्च से अप्रैल से मार्च चलेगा या जनवरी से दिसंबर चलेगा, तो उसके बारे में थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर देना। सर्वर अभी चल रहा है वैसे। देखो ठीक है, क्या होता है कि कंट्री टू कंट्री डिफरेंट डिफरेंट होता है ये। ठीक है, जैसे कई जगह पे कैलेंडर ईयर होता है जनवरी टू दिसंबर का। ठीक है, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल टू मार्च। ठीक है, तो जो फिजिकल ईयर हमारा बनता है वो अप्रैल से मार्च तक चलता है। जो V3 है वो स्टैंडर्ड वेरियंट है अप्रैल टू मार्च के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो अप्रैल है महीना तो तीसरा है, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड उसको बोलते हैं पहला। ठीक है, हाँ सेम ऐसे ही बढ़ता रहता है आगे, जैसे वो मैंने इन लोगों का अप्रैल एग्जांपल देके मई हो बताया गया, था। दो हो गया। हाँ हाँ ठीक है, तो मोस्टली जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना उसको कंसिडर किया जाता है फिजिकल ईयर। जैसे हर कंट्री का अलग अलग हो सकता है, जैसे US में जनवरी टू दिसंबर चलता है, इंडिया में अप्रैल टू मार्च चलता है। ऐसे ही हो सकता है कहीं और जाओगे तो अलग मिलेगा तुम्हें। तो ये वैसे भी फाइनेंस वाले का काम हाँ नहीं, है लेकिन तुम्हारी एमएम वो। की साइड से मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसे इसको थोड़ा इस साइड हटा के लगा देता हूँ, एक यहाँ पे लिख देता हूँ मेटेरियल देखो। तो ये क्या होता है, हमारा जब भी हम कोई भी काम करेंगे मीगो के अंदर, जो हमारा कंसेप्ट होता है, उसके बाद हम टेक्निकल लेवल से हमारा जो डाटा सेव होगा वो कैसे सेव होता है, उसमें 2 ईयर चलते हैं। एक हमारा चलता है मेटेरियल ईयर और एक चलता है हमारा फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर के अंदर हमारा जो मैंने आप लोगों को बताया था अप्रैल से मार्च के अंदर ही चलता है, वो सेम ही रहता है। ठीक है, और जो हमारा मेटेरियल ईयर रहता है ये मेरा जैन से दिसंबर तक रहेगा। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी डॉक्यूमेंट पोस्ट कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट पोस्ट के लिए सिस्टम क्या करता है, 2 डेट रखता है, जहाँ पे हम टेबल में डाटा सेव कर रहे हैं उसके अंदर, कि मैंने डाटा किस दिन पोस्ट किया आज की डेट सिस्टम सेव करेगा कि आज के दिन किया और ये मेरा मेटल ईयर सेव होगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ में हमारा उस टाइम पे पोस्टिंग पीरियड क्या था और उसके बेस पे उसकी टाइमिंग क्या थी, तो वो इस फिस्कल ईयर में चलता है। इसके भी अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, जैसे जितने भी हम मीगो करते हैं, मीगो के अंदर मीगो का मतलब क्या है कि जो हमारा गुड रिसीव करते हैं, जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, रिसीव करते हैं, इशू करते हैं, उन सभी के डॉक्यूमेंट मेरे मेटेरियल ईयर के बेस पे ही जनरेट होते हैं। उसके जो हम नंबर डालते हैं, मेटेरियल ईयर नंबर डालते हैं, ये वाली जो मैंने यहाँ पे डाली हुई है, ये वाले नंबर मैं डालता हूँ वहाँ पे। ठीक है, कुछ कंसेप्ट होते हैं जिसके अंदर फिस्कल ईयर डालते हैं, जैसे FI का कंसेप्ट रहता है उसके अंदर ये वाली ईयर चलती है, या फिर जो मैं PO बना रहा हूँ इसके अगर हमें नंबर ईयर बाई ईयर चेंज करनी है, तो हम इसको फिस्कल ईयर के बेस पे ही चेंज करेंगे, जो मेरा अप्रैल टू मार्च है इसके बेस पे। ठीक है, ये कंसेप्ट में जब आप लोगों को समझाऊंगा तो उसमें पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आता हूँ कल हमने जो, हाँ आदित्य बताइए। ये जो मीगो में कौन सा मटेरियल ईयर चलेगा? हाँ, मीगो के अंदर मेटेरियल ईयर चलता है जब हम नंबर रेंज बनाने जाते हैं, तो कल मैंने शायद आपको एक चीज बताया था कि कल हमारा एक छूट गया था टॉपिक, कंप्लीट हुआ था, जैसे मैं अभी आपको लेके चलता हूँ और अभी आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में फिर कुछ डाउट होगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा सिस्टम थोड़ा स्लो जरूर है, लेकिन चलो देखते हैं। कल हमने जो कंसेप्ट किया था मेटेरियल मैनेजमेंट के अंदर, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। SPR में गया था, SPR में जाने के बाद सबसे पहले मैं गया लॉजिस्टिक जनरल में, लॉजिस्टिक जनरल में जाने के बाद हम गए थे मेटेरियल मास्टर पे।
मेटेरियल मास्टर के पास जाने के बाद हम गए थे सबसे पहले यहाँ पे बेसिक सेटिंग के अंदर। बेसिक सेटिंग के अंदर मैंने जाके यहाँ पे हमारा जो कंपनी कोड के अंदर फिजिकली असाइन करते हैं वो असाइन किया था, जो FI का कंसेप्ट के तरीके से मैंने बताया था, और ये मैंडेटरी कंसेप्ट होता है। इसी के बेस पे हमारा ईयर टू ईयर चलता है, मंथ टू मंथ हम पोस्टिंग करते हैं, उसका कंसेप्ट रहता है, और ये कल मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। और जो ये कंपनी कोड का कंसेप्ट उठ के आता है, ये सारा का सारा मेरा उसी के तरीके से उठ के आता है, जो हम क्रिएट करते हैं FI की साइड से ही, उसी के बेस पे उठ के आता है ये, ठीक है। ये हमने मैंने आपको कल बताया था कि मैंने फिजिकल ईयर मेरा 2022 डाला, पीरियड ये था, ठीक है। और ये सभी का कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। इसके बाद में मैं गया था नेक्स्ट में मेटेरियल टाइप पे। मेटेरियल टाइप पर जाने के बाद मैंने आपको यहाँ पे मेटेरियल के टाइप डिफाइन करनी बता दी थी, उसमें तीन टाइप मैंने आप लोगों को बता दी थी, फिनिश गुड, रॉ मटेरियल, और एक और दिखा दी थी हमने ये तीन चीज की, ठीक है। इसके बाद आपको लोगों को बोला था कि बाकी आप लोग कर लेना जो भी था, इसमें कुछ डाउट हो तो बताओ। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको एक्सेल में ये बताया था कि जब हम वापस से नीचे आता हूँ मैं इसके अंदर, हाँ यहाँ पे मैंने ये बताया था कि कोई भी मैं मटेरियल की टाइप क्रिएट करूंगा, सबसे पहले क्रिएट करने के बाद पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मैं इसके अंदर ये फील्ड रेफरेंस डाल सकता हूँ अलग अलग। इसके बेस पे कल वो भी बताया था कि अगर मेरे को कोई फील्ड मैंडेटरी करना है और किसी स्पेसिफाइड टाइप पे करना है तो कैसे करते हैं, इसके बेस पे सिस्टम रेफरेंस रखता है, उसको मैं दोबारा से भी आप लोगों को अभी बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद में लास्ट में कंसेप्ट में आता है यहाँ पे नंबर रेंज। अब हमारा मेटेरियल की तीन टाइप तो हमने क्रिएट कर ली, लेकिन इनके नंबर कैसे उठाएगा सिस्टम, इसका कंसेप्ट आता है। इसके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल नंबर रेंज रहती है और ये कैसे काम करती है। तो अभी हम असाइन करेंगे, दो के अंदर हम करेंगे इंटरनल, एक के अंदर रखेंगे एक्सटर्नल, ठीक है। इन दोनों का फिर हमें कंसेप्ट भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं, ठीक है। मैं आता हूँ अब, सबसे पहले हम गए थे मेटेरियल टाइप को क्रिएट करने के लिए। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट में आता हूँ मैं, लास्ट में जो सबसे लास्ट में दिया है इस पे जाएंगे हम, डिफाइन नंबर रेंज फॉर ईच मेटेरियल टाइप। पहले हमने यहाँ पे मेटेरियल की टाइप क्रिएट की थी, यहाँ पे हम नंबर रेंज असाइन करेंगे इसकी, जो भी हम अपने मेटेरियल की टाइप रखेंगे। इसके लिए कंसेप्ट थोड़ा समझने के लिए, पहले तो हम ये जो आते हैं, ये मेरा एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं नंबर रेंज के लिए बोलते हैं, कि NR स्टेटस बोलते हैं या नंबर रेंज के लिए। यहाँ पे अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा कि मेरी नंबर रेंज क्या क्या पड़ी है। ये जैसे ये सिस्टम दिखा दिया डिस्प्ले के अंदर, ये मेरे नंबर रेंज के आगे मैंने जो 1 2 3 4 लगा रखा है, और उसके बाद मेरी कहाँ से शुरू होके 001 से स्टार्ट होके ये वाली मेरी एक्सटर्नल है, जिसके ऊपर एक्सटर्नल का टिक है वो मतलब मैं अपने साइड से अपने आप डालूंगा, ठीक है। बाकी मेरी ये सारी की सारी इंटरनल है, ठीक है। अब मैं आपको वापस से आके दिखाता हूँ, इसके अंदर इंटरवल रहता है, ये जो हमारा ये चेंज करना है मेरे को, मान लो किसी को, तो मैं चेंज कर सकता हूँ इस तरीके से। और नेक्स्ट में आता है NR स्टेटस, NR स्टेटस के अंदर मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। हाँ देते बताइए, जो ये एक्सटर्नल नंबर है ये हम खुद क्रिएट करते हैं, हाँ और इंटरनल इंटरनल सिस्टम ऑटोमेटिक उठा के लाके आएगा, जैसे मैं आपको एक्सेल में लेके आता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या बताया था आप लोगों को अच्छा कि स्टैंडर्ड हाँ स्टैंडर्ड नहीं, जब हम क्रिएट करेंगे, अभी जैसे मैं आपको क्रिएट करके बताऊंगा और उसके अंदर मैं बताऊंगा इंटरनल का मतलब क्या है, कि जैसे आप कहीं पे भी अगर आप मान लो कि किसी मॉल के अंदर चले गए और सामान लेने चले गए, ठीक है। मान लो आपने 10 बिस्किट के पैकेट उठा लिए, अब वो क्या करता है, स्कैनिंग के लिए एक गन रखता है और आपके बिस्किट के पैकेट को स्कैन करता रहता है, उसके सिस्टम में ऑटोमेटिक नंबर उठ के आते रहते हैं, ठीक है। जो वो ऑटोमेटिक नंबर उठ के आए, उन लोगों ने पहले ही क्या कर रखा, सिस्टम के अंदर एक नंबर रेंज दे रखी है, इस नंबर से इस नंबर रेंज तक मेरे उठ के आएंगे, और उसकी स्कैनिंग ऑलरेडी उन्होंने पहले करके रख रखी है, ठीक है। और एक मेरी अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर दे दूंगा। बैक आता हूँ मैं, ओके यहाँ पे एक सबसे चीज याद रखने की चीज ये है कि सबसे पहले मैं जैसे यहाँ पे गया हूँ नंबर रेंज के अंदर, यहाँ पे मैं अगर कोई भी मेरे को देखना है तो मैं डिस्प्ले के अंदर जा सकता हूँ, अदरवाइज मेरे को क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूंगा, ठीक है। मैंने इस साइन पे क्लिक किया और यहाँ पे सिस्टम ने क्या कर दिया, ये दिखा दिया मेरे को, सबसे पहले दिखाया नॉन असाइन एलिमेंट। नॉन असाइन एलिमेंट का मतलब क्या है कि ये मेरे जितने भी मेटेरियल टाइप है इनके अंदर कोई भी नंबर रेंज असाइन नहीं है। जैसे इसके अंदर ही अगर आप देखोगे, हमारी मेटेरियल टाइप अभी है नहीं है कहीं पे, यहाँ पे इसके बाद में सेकंड वाले में है हमारी मेटेरियल की टाइप ही है, ठीक है। मैं भी आता हूँ नॉन असाइनमेंट के बाद में, ये ओल्ड टाइप के मेटेरियल आ गए जिसके अंदर हमारी तीन तीनों के तीनों हमारी ये मेटेरियल टाइप पड़ी हुई है।
अब इसके लिए हमारा कंसेप्ट क्या रहता है, मेरे पास दो टाइप के नंबर होती है, जैसे आप लोगों ने अभी देखी, एक तो हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, इनके अंदर हम कोई भी नंबर उठा सकते हैं और उसके अंदर असाइन कर सकते हैं। एक मैं अपने एंड से नई रेंज सोचूंगा और उस रेंज के अंदर मैं असाइन करूंगा, लेकिन इसका भी एक कंसेप्ट रहता है, एक नंबर सिस्टम को अगर हमने बता दिया कि एक से लेकर 9999 तक ये है, तो इसके अंदर ये नंबर दोबारा से मैं अलाउ नहीं कर सकता हूँ। इसलिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सभी की नंबर सीरीज अलग अलग है, ये 2 से 0 0 0 तक कर दिया, 2 9 9 9 9 कर दिया, ठीक है, इसके बाद 3 से शुरू कर दिया, 3 90 कर दिया, 4 4 90, ऐसे ही एक बार जो भी सीरीज मैंने दे दी उसको मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अभी हम सोचते हैं जो हमने एक क्रिएट करेंगे, थोड़ा उसको ऐड करके देखते हैं नई वाली सीरीज। सबसे पहले तो अगर मेरे को नई क्रिएट करनी है, मैं जैसे मान लेता हूँ इसको सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे मैं इस पर क्रिएट पे क्लिक करूंगा, अगर साइन ही करना है डायरेक्ट, हम जाके सीधे इस पे क्लिक करेंगे और साइन कर देंगे अपने नंबर रेंज को। यहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो वहां पे अपनी सारी की सारी नंबर रेंज आ जाएंगी, जो भी मेरे को रखनी है उसी के अंदर मैं साइन कर दूंगा। लेकिन हम क्रिएट करते हैं पहले, सबसे पहले मैं क्रिएट के स्टेप पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मैंने क्या कर दिया, कोई भी नंबर रेंज का ग्रुप रख दिया, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे रो मेटेरियल MRF, ठीक है, हमारी कंपनी का नाम रख दिया मैंने। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इंटरवल के अंदर मैं एक नंबर रेंज दूंगा, जैसे मैंने क्या सीरीज दे दी 9968, 10 टाइम मैंने 10 डिजिट दे दिए और लास्ट में दे दिए 9, ठीक है। ये कोई नंबर अब यूज नहीं हो रहा तो हम इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको यूज करने के लिए डाल दिया, ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। ये सिस्टम ने अभी एरर दिया, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विदाउट ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर ऑलरेडी पहले ये सीरीज चल रही है इसलिए ये ओवरलैप दे रहा, तो हमें इसकी सीरीज को चेंज करके देखना पड़ेगा, जो सीरीज यहाँ पे एडजस्ट हो रही होगी वो लेनी पड़ेगी हमें, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये सीरीज भी ओवरलैप कर रहा है, हम एक बार सीरीज को ही चेक कर लेते हैं किसी भी, फिर उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे सीरीज देख रहे हैं, बहुत सारी सीरीज रखी हुई हैं, तो इसके अंदर एक सीरीज को मैं बना लेता हूँ, ये वाली सीरीज है, इसको मैं यूज करने की कोशिश करूंगा। पहले मैं क्या करता हूँ, एनआर स्टेटस में गया, इस सीरीज को हटा देता हूँ, पूरे नंबर कैसे अज्यूम कर दिए? किसी ने पता नहीं कैसे बना रखे हैं, ये इतने बहुत ज्यादा बना के रख रखे हैं, लेकिन हम कर देते हैं ना अपने हिसाब कैलकुलेशन नहीं से। कर लेगा जी। क्या पता किसने बनाए, किसने है बीते नंबर, इसको मैंने दे दिया नंबर 2 बस। सर, जैसे कि आपने ये न्यूमेरिक नंबर लिखे हुए हैं, हाँ तो यहाँ पे हम लोग अल्फाबेट भी लिख सकते हैं। हाँ अल्फाबेट भी लिख सकते हैं, लेकिन अल्फाबेट के केस में हमें क्या करना अल्फाबेट पड़ेगा, सिर्फ एक्सटर्नल में चलता एक्सटर्नल के लिए यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, वो न्यूमेरिक में काम करना तो वो इंटरनल में ही काम करेगा। इंटरनल मतलब में हमें अपने आप सिस्टम को उठवाना है, वो इंटरनल है, एक्सटर्नल के अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ तो उसके अंदर ये काम कर जाएगा, ठीक है। अभी जैसे मेरी नंबर सीरीज डल गई है, यहाँ पे हट गई है, मैं अभी इसके जैसे पे ही क्रिएट करके दिखाता हूँ। अब आप लोगों को ग्रुप पे गया, क्रिएट पे गया, रो मटेरियल, ठीक है, और यहाँ पे सीरीज। अब की बार हम क्या करते हैं, मैं छोटी सीरीज रखता हूँ, ज्यादा बड़ी नहीं रखूंगा, क्योंकि हमें दो तीन समझने हैं, कंसेप्ट को ज्यादा नहीं खींचना। जैसे 5 डिजिट का रख दिया मैंने, ठीक है, 1 1 सॉरी 1 नहीं, एक ही रख देता हूँ, ऐसे रख लेता हूँ कि मैं इसको, चलो हाँ ठीक है, यही ठीक है। इससे शुरू होकर मेरी सीरीज पहला जो नंबर बनेगा मेरा, ये यहाँ तक बनेगा, ठीक है। मेरा मेटेरियल का कोडिंग मैंने बहुत छोटी रख दी है, तो इसलिए ये अभी सेव कर दिया सिस्टम ने, ये मैंने रो मेटेरियल के नाम से बना दिया है। अभी इसको मैं असाइन करना, जैसे मेरा ये 18 नंबर के अंदर अभी हुआ है, तो इसको मैं क्या करूँगा, असाइन कैसे करूँगा, इसमें जाऊँगा और यहाँ पे जो मेरा 18 नंबर में अभी हमने क्रिएट किया हुआ रो मेटेरियल के नाम से, 18 नंबर लाइन पे, इसके अंदर मैं इसको क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये असाइन हो जाएगा। अगर अभी आप देखोगे तो यहाँ पे जो मेरा दिख रहा था वो हट गया है, और नीचे जाएंगे हम, बिल्कुल ही नीचे मिलेगा 18 नंबर, ये 18 नंबर की सीरीज है जो
इसके अंदर हमारा ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसी की तरीके से मैं आपको एक अलग से और बना के दिखा देता हूँ जो हम बना लेते हैं। पहले हम इसको सेव कर देते हैं, चेंजेस को सेव करने के बाद मैंने अभी इसका नाम दे दिया दूसरे का फिनिश गुड, ठीक है। फिनिश गुड के अंदर जो मैं सीरीज रखूंगा, जो हमने अब की बार पहले 1-1 से रखी थी, वो तो सिस्टम लेगा नहीं, इसलिए मैं इसके आगे 2 लगा देता हूँ। या फिनिश गुड को हम फिनिश गुड नहीं रखेंगे, उसका नाम हम रख देते हैं जनरल गुड्स। जनरल गुड्स का जो भी मेरा मेटेरियल बनेगा तो इस सीरीज के अंदर ही बनेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ठीक है, इतना हम इसको सेव कर देते हैं। ये 19 नंबर आया मेरा यहाँ पे, तो इसके लिए जो मेरा जर्नल के नाम से जो है इसको असाइन करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और मेरा जो सबसे लास्ट में, हाँ आदित्य बताइए। नंबर सीरीज क्रिएट करते हैं तो इसके स्टार्टिंग में 0 अपने आप कैसे आती थी? वो स्टार्टिंग में 0 इसलिए आ रही है कि देखो, अगर मैं मान लो कि इसके लिए बना के, इसके लिए मैं आपको एक वो बना के दिखा दूंगा जो हमारी एक्सटर्नल नंबर सीरीज है। फिर भी उससे पहले मैं आपका जो क्वेश्चन का डाउट है वो बता देता हूँ। इसका मेन रीजन क्या होता है कि जब हम कोई भी नंबर रेंज क्रिएट कर रहे हैं, नंबर रेंज को क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें सिस्टम की मैक्सिमम लेंथ होती है जो 18 डिजिट से 10 डिजिट तक होती है। जैसे मेटल मास्टर की लेंथ है जो 18 डिजिट होती है, ठीक है, 18 डिजिट होती है। S/4HANA के अंदर इसको 40 तक मैं बढ़ा सकता हूँ, वो मैं आपको बता दूंगा जब हम करेंगे उसमें। इसीलिए सिस्टम क्या करता है, अगर मैंने तो इसको ये 5 18 के लिए, ऑटोमेटिक उठा रहा हाँ 5 अगर हमने रखी है, तो आगे मैं ये लीडिंग 0 लगा लेता है सिस्टम ऑटोमेटिक अपनी साइड से ही, जिसका कोई यूज नहीं है लेकिन वो अपनी साइड से फिलिंग कर लेता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे सभी के अंदर यही मिलेगा, जो 18 से कम है उनमें ऑटोमेटिक, लेकिन एक्सटर्नल के केस में वो काम नहीं करेगा, इसको सिस्टम ऑटोमेटिकली ही रखता है जितने हमने दी हुई है, ठीक है। एक्सटर्नल के अंदर भी मैं थोड़ा इसके अंदर चेंज कर देता हूँ, जो इन्होंने दिया है जिसने भी ये बना रखी है, A1 डाल देता हूँ और सेव कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सटर्नल को यूज करूंगा इसी को, 02 को, बाकी हमने 18 और 19 बना ली हमारी सीरीज, ठीक है। अभी सॉरी, यहाँ पे था, मैंने आपको 2 मेटल की टाइप असाइन करके दिखा दी, तीसरी जो हमारी बची हुई है फिनिश गुड की, फिनिश गुड को मैं क्या करता हूँ 02 में असाइन कर देता हूँ, जो मेरी एक्सटर्नल है, ठीक है। 02 पे मैंने क्लिक कर दिया, असाइन कर दिया और सेव कर दिया। अब इसका कंसेप्ट का मेन आपको क्या चेंजेज आया है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले हम कोई भी मेटेरियल को क्रिएट करेंगे, उसके लिए MM01 टी कोड होता है, उससे हम मेटेरियल को क्रिएट करते हैं। अब जैसे मैंने मेटेरियल को क्रिएट करने के लिए डाला, ठीक है। अब इसमें सिस्टम क्या कहता है कि हम पहले इसके अंदर मेटेरियल नंबर डालेंगे, और मेटेरियल नंबर डालने के बाद हम यहाँ पे इंडस्ट्री डालेंगे, जो भी हमारी इंडस्ट्री हमने आपको बताई थी स्टार्टिंग में कि मैंने 9 नंबर से टायर के नाम से बना दी थी इसकी इंडस्ट्री, ठीक है। ये मेरी इंडस्ट्री हो गई। अगर आपको इंडस्ट्री के बारे में भी देखना तो हमने यहाँ पे ही बनाया था ऊपर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी इंडस्ट्री बनाई थी कि हम कौन सी इंडस्ट्री में काम करेंगे, तो हमारी टायर इंडस्ट्री, MRF को रखा था तो टायर इंडस्ट्री, इसलिए मैंने इसको बनाया था, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ, पहले हम यहाँ पे इंडस्ट्री डालेंगे टायर के नाम से 9 है जो, ये डाल दिया। इसके बाद हम अपने डालेंगे मेटेरियल टाइप जो अभी हमने क्रिएट किए हैं 3, ये यहाँ पे सिस्टम दिखा रहा है। इसको मान लो कि मैं रॉ मेटेरियल ले रहा हूँ, रॉ मेटेरियल के अंदर यहाँ पे परचेजिंग का व्यू आ नहीं रहा है। अगर मैं 1100 मेटेरियल टाइप लिए है, इसके अंदर मेरा सेल्स के बाद सीधा MRP दिखा रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा यहाँ पे ये क्लिक नहीं था, इसका ये मेन कंसेप्ट का इशू था। वापस से इसको मैं सेव कर देता हूँ, और सेव करके TR में डाल दिया मैंने इसको। और अगर मैं अभी वापस से इस टी कोड को रन करूंगा, MM01 को, और यहाँ पे अब मैं एंटर करता हूँ, तो अब की बार अगर आप देखोगे तो ये मेरा परचेजिंग का व्यू आ गया है, ठीक है। बेसिक 1-2 मैंने ले लिया, परचेज कर रहे हैं तो इसलिए परचेजिंग का हो गया। इसके बाद मैं फॉरन ट्रेड एक्सपोर्ट को डालूंगा, इसका कंसेप्ट को मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा इसका क्या यूज होता है जैसे हम डालेंगे वहाँ पे। इसके बाद अगर MRP मेरे को लेना है तो वो मैं डाल सकता हूँ। MRP का कंसेप्ट क्या होता है कि हम किसी भी मटेरियल को आगे फोरकास्ट फ्यूचर के लिए ये रख लेते हैं कि रीड करते हैं कि कितनी क्वांटिटी मेरी लग सकती है फ्यूचर में, ठीक है। इसको हम डाउन पेज करेंगे, डाउन पेज करने के बाद ऐसे ही फोरकास्टिंग होता है कि फोरकास्टिंग में कितनी आगे फ्यूचर तक मैं कितनी कंज्यूम कर सकता हूँ, तरीके से उसको रीड करता हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा जर्नल डाटा, प्लांट डाटा 1-2, ठीक है। इसके बाद अगर मेरा वेयरहाउस लगा है तो मैं उसको ले सकता हूँ, अगर नहीं है तो हम उसको छोड़ देते हैं। क्वालिटी अगर मेरे को लगानी है किसी भी प्रोडक्ट को रिसीव करने से पहले, मैं उसकी क्वालिटी चेक करूंगा कि
तो वो क्वालिटी में ले सकता हूँ, इसके कंसेप्ट में आप लोगों को दिखा दूंगा। इसके बाद अकाउंटिंग का व्यू होना चाहती है जो जरूरी है, ये दोनों लेना हमारे को, क्योंकि इसके अंदर हमारी कॉस्टिंग डलेगी, ऐड होगी जब भी हम, ठीक है। इसके बाद कॉस्टिंग को लेना है तो ये भी हम ले सकते हैं, अदरवाइज इनका कुछ ऐसा हो कहीं पे कॉस्टिंग लग रही है तो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट एंटर करूंगा तो ये भी कर सकता हूँ यहाँ पे, या मैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं नीचे इस पर क्लिक करता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, यहाँ पे सिस्टम ने मेरे से क्या पूछा है कि प्लांट डालिए और स्टोर लोकेशन डालिए। प्लांट मतलब मैं जो हम किस प्लांट के अंदर ये मेटल क्रिएट कर रहे हैं। अभी हम प्लांट को मान लेते हैं 9900, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे स्टोर लोकेशन। स्टोर लोकेशन अगर मेरे को नहीं पता है प्लांट क्या है, तो मैं यहाँ से F4 करके जा सकता हूँ, और अंदर जाने के बाद मैं अपने प्लांट को सर्च कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे ये बहुत सारे प्लांट किए हुए हैं, ठीक है। इसी के तरीके से मैंने अभी यहाँ से मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अभी हमने डाल दिया है तो स्टोर लोकेशन। अब स्टोर लोकेशन का मेरे को आइडिया नहीं है कि क्या स्टोर लोकेशन है, तो इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे ही डायरेक्ट जाके चूज कर सकता हूँ कि भाई मैं इसकी कौन सी स्टोर लोकेशन को लूँ। लेकिन अगर मैं सिंपली को रखना चाह रहा हूँ तो डायरेक्ट मैं याद करके देख सकता हूँ, नहीं तो देखो मैं यहाँ पे मेरे को सिस्टम दिखा रहा प्लांट और यहाँ पे स्टोर लोकेशन। जब हमारा प्लांट सामने आ जाएगा तो हम इसको स्टोर लोकेशन कोई भी ले लेंगे जो हमने क्रिएट कर रखी है इस प्लांट के अंदर, ठीक है। अभी 6189 के अंदर बहुत ज़्यादा प्लांट स्टोर लोकेशन क्रिएट है। ये हमारी सीरीज आ गई, ठीक है। 9910 के नाम से था ये, देखो हमने यहाँ पे कितने बना रखे हैं, केवल ये दो बना रखे हैं एक प्लांट के अंदर। तो हम अभी रॉ मेटेरियल क्रिएट कर रहे हैं, तो मैंने रॉ मेटेरियल के स्टोर लोकेशन को ले लिया, चूज कर लिया और डबल क्लिक कर दिया, ठीक है। RM01 था मेरा ये स्टोर लोकेशन, अगर मेरे को याद रखनी है। इसके बाद मैं सिलेक्ट व्यू का अगर वापस से देखना तो वो देख सकता हूँ। अगर मैं इसको डिफॉल्ट सेटिंग कर दूंगा तो जब भी मैं इसकी क्रिएट करूंगा तो सिस्टम बाय डिफॉल्ट इन दोनों को लेके आएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आगे यहाँ पे कर देता हूँ कंटिन्यू, या एंटर प्रेस कर सकता हूँ। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो सिस्टम हमें सबसे पहले ये पूछता है कि भाई जो आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो इसका मेटेरियल की टाइप का, जो हम इसका डिस्क्रिप्शन रखिए क्या मेटेरियल क्रिएट कर रहे हो। मान लेता हूँ मैं यहाँ पर रबर यूज कर रहा हूँ, रॉ मेटेरियल को, रॉ मेटेरियल में मैं यूज करता हूँ रबर। रबर हो सकती है मेरी, रबर के अंदर। अब ये हमने जैसे मान लेते हैं कि रबर में मैंने कोई डाल दिया, ब्लैक रबर डाल दिया मान लो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ब्लैक रबर, ब्लैक रबर के बाद अब सिस्टम पूछ रहा है मेरे को, जो यहाँ पे जिस पे टिक लिख के आ रहा है, ये मतलब एक तरीके से मैंडेटरी है, जरूरी है फिल करना, इसके बिना सिस्टम आगे नहीं बढ़ने देगा। यहाँ पे यूनिट, मैंने यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब कि हम किस यूनिट के अंदर अभी हम क्रिएट करेंगे इस मेटेरियल को। मैं केजी में ले रहा हूँ, पीस में ले रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारे यूनिट ऑफ मेजरमेंट दी हुई है अलग अलग। मैं इसके अंदर जिस भी हिसाब से मैं कर रहा हूँ, मीटर में खरीद रहा हूँ, कैसे खरीद रहा हूँ, वो डिपेंड करता है हमारा मेटेरियल क्या है, किलोग्राम है, किलोमीटर है। तो यहाँ पे मैं केजी डाल देता हूँ, जो हम केजी के अंदर खरीदते हैं, ठीक है। ये मेरा केजी डल गया। इसके बाद यहाँ पर रहता है मेटेरियल ग्रुप। मेटेरियल ग्रुप का मोस्टली यूज क्या होता है कि जैसे मेरा अभी क्या है, यहाँ पर रॉ मेटेरियल है, रॉ मेटेरियल के बाद मैं हिस्से में डिवाइड कर सकता हूँ। रॉ मेटेरियल में मान लो कि मेरा स्टील का वायर लग रहा है उसके अंदर, टायर के अंदर बनाने के टाइम, वो भी मेरे लिए क्या है, रॉ मेटेरियल है। रबर है मेरी, वो भी रॉ मेटेरियल। रबर के भी मेरे चार टाइप के अलग अलग रबर है, ठीक है। तो उसको अगर मेरे को डिफाइन करना है तो उसको मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ कि रबर के अंदर मैं अपना एक मेटल को अलग हिस्से से डिवाइड कर रहा हूँ इस ग्रुप के बेस पे। अभी हमने कुछ ऐसा क्रिएट नहीं किया था जो भी हम कुछ ऐसा डालें, लेकिन अब हम वैसे ही डाल देते हैं अपनी मर्जी से, कुछ ले लेते हैं किसी ने पहले क्रिएट कर रखा होगा उसको, बाद में हम इसको दिखा देते हैं कि जब हम क्रिएट करेंगे इसको तो उस टाइम पे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टील ले लेता हूँ, और हम ऊपर ऊपर का जो यहाँ पे है इसको रबर की जगह पे हम इसको वायर लिख लेते हैं, ठीक है। वायर को मैं केजी के अंदर ही, मेरा वायर का बहुत बड़ा बंडल आ रहा है, स्टील की वायर है जो, उसको ले रहा हूँ मैं, और केजी में आ रहा है, इसका मैंने ग्रुप ये डाल दिया। इसके बाद इसके अंदर भी अगर मेरे को नेक्स्ट लेवल पे डिवाइड करना है तो मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे भी डिवाइड कर सकता हूँ, एक्सटर्नल मेटल ग्रुप के अंदर, ठीक है। इसको अगर मैं चाहूँ कि कौन सी वो है, हाई का प्रयोग ये मेरा, लो का है, मीडियम है, अगर मैं इस टाइप से रखना चाह रहा हूँ, या कोई भी एक तरीका है जो हम इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं तो हम इसमें डाल सकते हैं। लेकिन ये फिल करना जरूरी नहीं है, ऐसे मेरा डिवीजन है कि किस डिवीजन के लिए मेटल क्रिएट हो रहा है। अगर मेरे को डालना है तो ओल्ड मेटेरियल कोड, अगर मान लो कोई पहले किसी के यहाँ सर्वर, कोई सिस्टम पहले चलता था
और उसका नंबर अभी भी वो याद रखना चाह रहे हैं कि ये मेरा जो नया नंबर जनरेट हो रहा है मैं याद नहीं रहेगा, पुराने वाले सीरीज मेरे को याद है वो, तो यहाँ पे हम ओल्ड मेटल कोड भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट के साथ में यहाँ पे डाल सकता हूँ वेट। वेट का मतलब है कि जब मैं इसको सामान को रिसीव करूंगा 1 किलो को, 1 किलो के अंदर कितना वेट आएगा, नेट वेट टेयर वेट डालना है तो वो डाल सकता हूँ, अगर नहीं डालना तो छोड़ भी सकता हूँ। इसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये डिस्क्रिप्शन है मेरा, जो ये मेरा मोस्टली 40 डिजिट का होता है अगर मैं इसको डालूंगा, लेकिन कुछ कंपनियों के अंदर क्या होता है कि 40 डिजिट से काम नहीं होता, तो वो बोलते हैं जी हमें और ज़्यादा भी चाहिए। तो अगर हमें ज़्यादा पे क्लिक करना है तो हम यहाँ पे नीचे बेसिक डाटा टेक्स्ट दे रखा है, इस पर क्लिक करेंगे और सिस्टम क्या करेगा एक अलग से स्क्रीन खोल देगा, और यहाँ पे हम उसको ऐड कर सकते हैं, जितना चाहे उतना दे सकते हैं, ले भाई आप लिख लो, और इसको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बैक आता हूँ। बैक आने के बाद हम नेक्स्ट पे या तो एंटर कर सकते हैं या बेसिक डाटा टू पे जा सकते हैं। मैंने एंटर पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली वही व्यू आएंगे जो हमने पहले सिलेक्ट कर रखे थे, सेल का हमने नहीं लिया था, ऑटोमेटिक आगे चला जाएगा सेल का छोड़ के। इसके अंदर हम जब भी क्रिएट करते हैं ऐसा कुछ यूज नहीं करते कि जो हमें यहाँ पे डालना जरूरी है। मैं एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद सीधा मैं चला गया होगा आपकी और परचेजिंग के व्यू पे। ठीक है, परचेजिंग के व्यू के अंदर मैं डाल सकता हूँ कि भाई मेरा परचेज ग्रुप क्या है। परचेज ग्रुप एक मैंने आप लोगों को बताई थी कि हायरार्की है स्टोर लोकेशन के बाद के जो नीचे परचेज ग्रुप रहता है उसकी, अगर मैं डालना चाहूँ तो इसको डाल सकते हैं। इसको भी हम जब क्रिएट करेंगे तभी हम इसको डालेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ कुछ कंसेप्ट है, जैसे एक ऑर्डर यूनिट है। ऑर्डर यूनिट का क्या है कि मान लो कि मेरी बेस यूनिट यहाँ पे केजी डाला हुआ है, लेकिन मैं जब जिसको ले रहा हूँ जिससे भी खरीद रहा हूँ वो केवल मेरे को पीस में दे रहा है। ठीक है, मेरी ओवरऑल जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट चलती है वो केजी में चलती है, लेकिन जब मैं परचेज करता हूँ केवल उस टाइम पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेरी पीस हो जाती है। तो मैं यहाँ पे पीस डाल सकता हूँ और पीस के अंदर मैं यहाँ पे बता भी सकता हूँ कि मेरा एक कितने पीस आते हैं। मान लेता हूँ कि 1 केजी के अंदर मेरे 50 पीस आते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे बता दे सकता हूँ सिस्टम को, ये अभी मैंने बता दिया। इसका सेकंड वे ये भी हो सकता है, अगर हमें ये भी चेक करना है तो जो हम स्टार्टिंग पे गए थे ऊपर एडिशनल डाटा का ये टिक है, इस पे जा सकते हैं, एडिशनल डाटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट का सेकंड ऑप्शन है, इस पे जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा 1 केजी के कुल में 1 केजी है, 1 पीस है। और यहाँ पे मैं और भी डालना चाहूँ तो मतलब जैसे मेरे को PCS के नाम से अगर कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएटेड है, अभी ये है नहीं है तो F4 करके देख लेता हूँ मैं, और अगर मेरे को पीस के अलावा भी कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट देनी है तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ जिसको हम यूज करते हैं नॉर्मली अगर कहीं कहीं पे। ठीक है, लेकिन हम अभी हटा देते हैं, हमारे को इसकी जरूरत नहीं है। बैक करता हूँ मैं, यहाँ पे हम ऐसे बता दिए। अब की बार सिस्टम क्या करेगा, जब मैं पीस भी खरीदूंगा तो ऑटोमेटिकली 1 केजी अगर मैं खरीद रहा हूँ तो 50 पीस ऑटोमेटिक हो जाएगी कि हमने सिस्टम को बता दिया है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे ऑटोमेटिक PO क्रिएट करना है उसका एक कंसेप्ट रहता है, उसमें ये चेक लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एक रहता है, यहाँ पे मेरा टॉलरेंस की। टॉलरेंस की क्या होता है कि जैसे हम कभी भी सामान को रिसीव करते हैं तो वेरिएंस आ जाता है कि या तो मैं मान लेता हूँ कि मैं किसी की दुकान पे गया और जो हम मान लो घर बना रहे हैं, घर बनाने के टाइम में हमें सरिया की जरूरत है और सरिया लेने के लिए गए, यहाँ पे हमें जब भी बोला कि भाई 100 किलो सरिया लेके आ जाओ, अब मैं 100 किलो सरिया लेने के लिए गया तो वहां पे जाने के बाद बोलता जी एक पूरा का पूरा ये है आपको, ये या तो यही खरीदना पड़ेगा पूरा का पूरा ही। तो जब हम उसको खरीदने के लिए जाते हैं तो वो हो सकता है 102 किलो का हो सकता है वो 90 किलो का हो, तो उसको हम कंसेप्ट को कैसे रीड करते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं कि ठीक है भाई आप 102 किलो का दे दो हमें, मैं चल जाएगा। या फिर हम कभी कभी ये हो सकता है कि 90 किलो का है 98 किलो का है, मतलब मैं उसमें हम एक टॉलरेंस लिमिट ले लेते हैं कि 100 का लेना है लेकिन अगर आप 98 का दे रहे हो तो चल जाएगा, ठीक है दे दीजिए। अगर 102 का आ गया हम ले लेते हैं, चलो जी ठीक है दे दीजिए। तो उसको अगर हमें मेंटेन करना है तो यहाँ पे मैं मेटल मास्टर के अंदर ही मेंटेन कर सकता हूँ, जिसको हम टॉलरेंस लिमिट बोलते हैं। टॉलरेंस लिमिट मेरी ओवर अंडर और ओवर दोनों हो सकती है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर ये मेरी अलग अलग परसेंटेज दी हुई है कि मैं 5% दूँ 10% दूँ, ये मेरी टॉलरेंस की यहाँ पे देखो ओवर दे रखा है और ये अंडर दे रखा है, अंडर टॉलरेंस ये मेरी ओवर। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ किसी को भी तो उसके बेस पे सिस्टम ऐसे इसको क्लिक काम करेगा, जब हम इसका नेक्स्ट कंसेप्ट में जाएंगे तो इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ कुछ और पॉइंट अगर हम यूज करें तो नेक्स्ट में आता हूँ मैं। फोरकास्टिंग, फोरकास्ट ये है मेरा, फोरकास्टिंग नहीं सॉरी, फ्रेट ट्रेड इम्पोर्ट। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं उससे पहले हमें क्या होता है कि जब हम मटेरियल को क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट क्या कहती है अपना GST लगाती है।
जीएसटी बोलती कि जैसे अगर आप कोई रबर का सामान खरीद रहे हो तो इसके ऊपर 5% जीएसटी, अगर आप कोई भी गेहूं का सामान खरीद रहे हो, जो खाने पीने का सामान खरीद रहे हो, तो उस पे बोलता है जी आपके 10% जीएसटी, 12% जीएसटी, ठीक है। या उसके बाद अगर मैं कोई लोहे का सामान खरीद रहा हूँ, उसको बोल देते हैं जी सीधा सीधा आपके यहाँ पे 18% लगेगा। उस परसेंटेज को सिस्टम कैसे मैनेज करते हैं हम लोग, इसके अंदर एक होता है कंट्रोल कोड, जिसको गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है, HSN कोड बोलते हैं, कंट्रोल कोड बोलते हैं। वो एक सीरीज दे देती है कि भाई आपका एक कंट्रोल कोड है, इस कंट्रोल कोड के अंदर आपके ये चीजें आ सकती हैं जो 5% में, जैसे यहाँ पे ये बहुत सारे बना रखे हैं, इसके अंदर अगर हम ठीक है ना, ये आपको मतलब इसका कंसेप्ट समझ में आ गया ना, कि HSN कोड गवर्नमेंट देती है, उसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट के साथ साथ इसमें रेट लगता है, रेट की परसेंटेज लगती है, ठीक है। अभी हम वैसे ही ले रहे हैं, कुछ भी मैंने वैसे ले लिया, इसका कंसेप्ट सीधा सीधा लिंक रहता है। और इसको सिस्टम कैसे काम करता है, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी 18% दिया हुआ है, 18% को हम क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा रहता है कि मोस्टली हम क्या करते हैं इसको, एक हमारे पास तीन टाइप के जीएस टैक्स कोड होते हैं, अगर मैं आपको कहीं एक्सेल शीट खुला हुआ मेरा वो बता देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे आता हूँ मैं, जैसे एक मेरा होता है IGST, एक होता है मेरा SGST, और एक होता है मेरा CGST, ठीक है। ये तीन टाइप के टैक्स होते हैं। अगर मान लो 18% लग रहा है तो IGST केवल अकेला लगेगा, और अगर मेरा इस पे लग रहा है 9% लगना, तो ये 9 इस पे लगेगा, 9 इस पे लगेगा, ठीक है। ये कैसे काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्या है कि अगर मैं कोई भी मेरा प्लांट, मान लो कि मेरा हरियाणा के अंदर है, ठीक है, और प्लांट मेरा हरियाणा में है, और जिसको मैं सामान खरीद रहा हूँ, जिससे भी हम, क्योंकि हम तो परचेज वाले आदमी हैं, परचेज करेंगे, तो अगर मैं जिससे भी सामान खरीद रहा हूँ वो भी हरियाणा से ही है, ठीक है, अगर वो भी हरियाणा से ही है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स कोड मेरा लगेगा IGST, IGST मेरे को देना पड़ेगा उसको 18%। सेम स्टेट से अगर मैं खरीद रहा हूँ तो मेरा एक ही टैक्स कोड लगेगा, जो उसमें लगता है IGST, ठीक है। सेकेंड ये है कि अगर मान लो कि मेरा प्लांट है हरियाणा के अंदर, और मैं सामान खरीद रहा हूँ किसी यूपी के नोएडा के अंदर से, ठीक है, उस केस में क्या कहता है कि गवर्नमेंट कहती है जी आपका दो टाइप का GST लगेगा, 9-9%, 9% लगेगा आपके CGST, 9% लगेगा SGST, ठीक है। तो इसको कंसेप्ट को सिस्टम रीड करता है, और इसी के बेस पे करता है, जो FI का पार्ट होता है, FI का पर्सन इसको कंसेप्ट को बनाता है। हम बस एक क्या काम करते हैं, मेटल मास्टर के अंदर कंट्रोल कोड असाइन करते हैं, इसके बेस पे सिस्टम काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आता हूँ मैं, ये अभी HSN कोड इस कंट्री के लिए नहीं है, तो हम IN के डाल के ले लेते हैं। IN के लिए केवल चार ही कंट्रोल कोड बने हुए हैं, वो ले लेते हैं, चलो कोई भी हम ले लेते हैं, बाद में इसको मैं सुझा दूंगा कैसे क्रिएट करते हैं। इसके बाद आता हूँ मैं जनरल प्लांट डाटा। जनरल प्लांट डाटा के अंदर अगर हम कोई भी एंट्री करेंगे, वो प्लांट लेवल पर रहेगी और स्टोर लोकेशन के ऊपर रहेगी, ठीक है। इसके अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा क्या डाल सकता हूँ कि हमें यूनिट ऑफ इशू की यूनिट है वो मेरी अलग अलग डाल सकता हूँ। कि मान लो कि बहुत सारी जगह पे क्या करते हैं, सामान को हम खरीदते हैं पीस के अंदर या केजी में खरीद रहे हैं, लेकिन जब मैं उसको बांट रहा हूँ तो मैं उसको पीस में बांट रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए अगर मेरे को अलग से यूनिट ऑफ मेजरमेंट रखनी है, तो मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे मोस्टली क्या करते हैं फैक्ट्रियों के अंदर, जहाँ पे बहुत ज्यादा वो होती है गर्मी के अंदर, क्या करते हैं बहुत सारे लोग केजी के अंदर नींबू खरीदते हैं, और उसको फिर पीस में लेबर को बांटते हैं, लो जी आपके पास चार दे दिए, दो दे दिए, पांच दे दिए, ठीक है। तो उस पे बेस पे अगर हमें अपना स्टॉक को भी काउंट करवाना है, तो हम इसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट डाल सकते हैं, ठीक है। इसके कंसेप्ट के बाद अगर हम यहाँ पे बैच का एक कंसेप्ट रहता है, वो हम आगे बताएंगे आपको, वो बैच का, और एक यहाँ पे रहता है कि लाइफ, कैसे भी हमें एक, जैसे हम कोई भी दूध का हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, और उसकी लाइफ सेट रहती है कि वो 3 दिन तक चलेगा, अगर हमें उसकी लाइफ को भी पहले ही सेट करना है कि ये मेरा इतने दिन के बाद खराब हो जाएगा, तो हम इसके अंदर डाल के सिस्टम में पहले ही बता देते हैं कि मेरी ये इसकी SLED लाइफ इतनी है, और इतने में ये मेरा खराब हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डाल सकता हूँ। इसके बाद मैं जैसे नेक्स्ट में आता हूँ, नेक्स्ट में बाकी मेरे को इसमें कुछ यहाँ पे एक रहता है सीरियल नंबर प्रोफाइल, और जो हम पहले बेसिक डाटा वन में बात कर रहे थे ग्रेस वेट की, कि मेरा 1 KG के अंदर कितना, सॉरी 1 मटेरियल है जो मेरा उसको खरीद रहा हूँ, तो उसका टोटल वेट कितना है और ग्रोस वेट कितना है, ये अगर मैं डालना, तो यहाँ पे डाल सकता हूँ वापस से। एक रहता है मेरा सीरियल नंबर प्रोफाइल। सीरियल नंबर प्रोफाइल में क्या होता है
जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, कोई मेटल खरीद रहा हूँ उसको हम सीरियल के बेस पे रिसीव कर रहे हैं और सीरियल के बेस पे ही हम इसको इशू कर रहे हैं, तो अगर वो कंसेप्ट रीड करना है तो हम मेटल मास्टर के अंदर ये सीरियल नंबर प्रोफाइल डालते हैं। जैसे मैंने अब आपको एक बिस्किट का एग्जाम्पल दिया था, अगर हम मॉल से खरीद रहे हैं बिस्किट को, वो क्या करते हैं जब भी सामान को रिसीव करते हैं वो स्कैन गन के साथ में रिसीव करते हैं कि हमारे पास ये सीरियल नंबर आए हैं जो हमने रिसीव किए हैं, और जब हम उससे खरीदते हैं तो वो स्कैन ही करके हमें प्रोडक्ट को देते हैं। जी आपके पास पहले 1 से लेके 10 तक प्रोडक्ट आए थे, लेकिन आदित्य के नाम का लड़का है जो 7, 8, 9, 10 नंबर लेके चला गया है, फिर इसके बाद विकास आया, विकास ने 2 और 3 ले लिया है, फिर बाद में मैंने लिया या सुप्रज ने लिया, तो वो एक तरीके से ऐसे काउंट करते हैं कि हमारे सीरियल नंबर किस में से कौन सा यूज हुआ, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। एक रहता है प्रॉफिट सेंटर कि इस मटेरियल को जो भी मेरे को प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है उसको हम कैसे बुक करना है, उसका एक लिंक रहता है FI की साइड से, यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर दिया जाता है जिसके अंदर ये हम असाइन कर देते हैं अगर हमें असाइन करना है तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे आता हूँ यहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट में। अभी हम क्वालिटी का कंसेप्ट लगा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, अगर मेरे को क्वालिटी का कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लगा सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं जाके यहाँ पे अपनी कोई भी इंस्पेक्शन की टाइप क्रिएट पे क्लिक करके यहाँ पे लगा सकता हूँ, और ये मैं एक्टिवेट कर दूंगा लास्ट में, तो वो मेरा एक्टिवेट हो जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे कोई भी एक जैसे 01 है इंस्पेक्शन की टाइप है, इसको अगर मैं लेके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ एक चेकबॉक्स है ये लग गया होगा, ये देखो अभी लग गया। ठीक है, इसको अब मैं हटाना है तो मैं हटा भी सकता हूँ। ठीक है, इसको हटाना है तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको चलो इसको दिखा देता हूँ क्वालिटी काम कैसे करती है वो दिखा दूंगा। ठीक है, अब आगे आता हूँ मैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में आता है मेरा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, जो हमने मेटेरियल की टाइप क्रिएट की थी उसके अंदर मैंने आपको एक अकाउंट की रेफरेंस बताया था जिसके अंदर मैंने डाला था 0001, 0009 जैसे एक तरीके से वो की डाली थी। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो हम फिर से दिखा देते हैं। OMS 9 के अंदर यहाँ पे ये अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस, ठीक है, 0001, 0009 एक तरीके से ऐसे डाली थी। तो ये वाला कंसेप्ट जो काम करता है, फिर उस 0009 के अंदर हम वैल्यूएशन क्लास को असाइन करते हैं और वो वैल्यूएशन क्लास हम यहाँ पे डालते हैं। जैसे मैं अभी आपको कोई स्टैंडर्ड लूंगा, अभी तो हम क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड होंगी, जो मैं अभी 3000 ले लेता हूँ जो स्टैंडर्ड है, नहीं तो इसको हम बाद में अपने ही क्रिएट करेंगे और उसके अंदर असाइन करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमने जब भी मटेरियल की टाइप क्रिएट की थी तो प्राइस को रखा था मूविंग एवरेज प्राइस, तो ये मूविंग एवरेज प्राइस का भी ऑटोमेटिक उठ के आ रहा है। इसके बाद में नीचे रहता है प्राइस के कॉलम, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस के कॉलम के अंदर मैं मूविंग एवरेज प्राइस को यहाँ पे डाल देता हूँ 200 रुपये। ठीक है, 100 रुपये, 200 रुपये जितना भी डालना है मेरे को डाल सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने डाल दिया और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। इसके बाद में एक बार मैं पीछे भी आ जाता हूँ, दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करंट पीरियड सिस्टम क्या दिखा रहा है, मेरा 4 दिखा रहा है और 2022 दे रहा है। एक इसके अंदर एक कंसेप्ट रहता है मेटेरियल लेजर एक्टिवेशन। मेटेरियल लेजर एक्टिवेशन का जो कंसेप्ट रहता है वो S/4HANA में होता है। अभी इसके अंदर तो वो जरूरत नहीं है, लेकिन हम जब भी S/4HANA के अंदर कुछ होगा तो उसको मैं जरूर दिखाऊंगा वहां पे भी। ठीक, वहां पे इसमें क्या रहता है, मेटेरियल पे ऑटोमेटिक टिक रहता है, ये लगा रहता है, और इसके अंदर मेरा 02 रहता है ऑटोमेटिक उठ के आता है, जो हम यहाँ से इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन बेस्ड प्राइस रखते हैं ये उठ के आता है। ठीक है, ये मैं S/4HANA के अंदर आपको एक बार दिखा दूंगा, मेरे पास दूसरा सर्वर है उसके अंदर से, ठीक है, उसका यूज भी दिखा दूंगा। अब मैं अकाउंटिंग का व्यू ले रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, जस्ट ऐसे करके इसको सेव कर सकता हूँ। ये अभी मेरा मेटेरियल क्रिएट हो गया है जो 1000 और 2 के नाम से, वायर के नाम से, इसको मैं अब कभी भी परचेज कर सकता हूँ, कभी भी सेल कर सकता हूँ, ये मेरा ऐड हो गया। इसके बाद अगर मैं आपका आता हूँ फिनिश गुड के लिए, सेकंड वाला मेरा ऐसे ही रहता है जो जनरल गुड्स है, ऐसे ही हम क्रिएट करते हैं सेम कंसेप्ट। फिनिश गुड के अंदर क्या है कि फिनिश गुड को जब भी हम क्रिएट करेंगे तो इसकी एक तो नंबर सीरीज हम देख सकते हैं अपने हिसाब से, दूसरे इसमें रहते हैं सेल्स के व्यू, क्योंकि हमें क्या करना है, फिनिश गुड को सेल करना है। अब की बार हम इसको परचेज करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना तो हम इसको जरूरत नहीं है। MRP का व्यू अगर लेना है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसके कंसेप्ट होता है उसमें बताऊंगा कि हम क्यों लेते हैं इसको MRP, अभी नहीं लेंगे। अगर फिर भी मैं आपको चलो लेके दिखा देता हूँ, बट सर आपकी वॉइस प्रॉब्लम कर रही है। सर मेरी वॉइस प्रॉब्लम कर रही है या हल्का हल्का फुल्का? देखिए मेरा इंटरनेट तो ठीक चल रहा है, मेरी शायद से ऐसा इशू तो नहीं आना चाहिए। 0 9 था हमारा ये टावर और यहाँ 3 1,
शायद हो सकता है कि भाई मेरे इंटरनेट में इशू होगा कुछ ना कुछ। तो अभी मेरी वॉइस ठीक आ रही है आप लोगों को? ठीक हाँ ठीक है अब ठीक है, चलो मैं आपको यस फिनिश गुड के लिए दिखा देता हूँ। फिनिश गुड के अंदर क्या रहता है, जो मैं मटेरियल की टाइप है इसका नंबर है, जो हमने क्या किया था जब हमने क्रिएट की थी मटेरियल की टाइप, तो उसके अंदर मैंने सीरीज अपने हिसाब से रखी थी A1 से लेकर Z तक। उसका मतलब क्या होता है कि मैं अपनी मर्जी से कोई भी मेटल का नाम रख सकता हूँ। जैसे मैं इसका ऐसे रखना चाह रहा हूँ T12S123, ऐसे मैंने कोई भी अपनी मर्जी से नंबर दे दिया, लास्ट में Z2 कर दिया। ठीक है, अगर मेरे को, या फिर मैं अकेला नाम भी दे दूँ, Sumit123Test123, ऐसे मैं इसके अंदर अपना कोई भी नाम दे सकता हूँ जो अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। इसके बाद मैंने अपनी मेटल की टाइप सेलेक्ट कर ली। मेटल की टाइप के बाद अब की बार व्यू मेरे क्या क्या आएंगे, जैसे सेल्स में कर रहा हूँ तो इसको सेल्स का व्यू आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर MRP को लेना, चलो मैं आपको लेके दिखा देता हूँ इसमें डालेंगे क्या, हम वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद जनरल डाटा 1 2 वेयरहाउस है तो ठीक है, नहीं क्वालिटी लगानी है तो ठीक है, नहीं लगानी है तो इसको कोस्टिंग के बाद आ गया। इसको भी अगर मेरे को डिफॉल्ट करना, तो डिफॉल्ट की सेटिंग पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट टाइम पे यही आएगा सिस्टम उठ के। मैं अब नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब की बार अगर आप देखोगे तो सिस्टम में क्या दिया है, पहले प्लांट दिया, स्टोर लोकेशन दिया, ये ऑटोमेटिक दिया क्योंकि हमने पहले डिफॉल्ट कर रखा था। सेकंड में अभी यहाँ पे दिया सेल्स ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये क्यों दिए, जैसे हमने परचेज के अंदर कोई भी सामान खरीदते हैं तो मैंने आपको बताया था कि मैं परचेज करता हूँ दो टाइप से, परचेज ऑर्गेनाइजेशन और मैं बनाता हूँ डोमेस्टिक और इम्पोर्ट। इसी के तरीके से मैं जब सेल करता हूँ तो सेल के भी यही कंसेप्ट रहते हैं कि मैं सेल करूंगा या तो डोमेस्टिक तरीके से कर रहा हूँ या इम्पोर्ट कर रहा हूँ, बाहर भेज रहा हूँ, मतलब एक तरीके से एक्सपोर्ट, सॉरी सेल के केस में एक्सपोर्ट। ठीक है, तो एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, तो उसके लिए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बताना होता है मेरे को, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कि वहाँ पे कौन सा चैनल है जिसके थ्रू मैं इसको बेच रहा हूँ, ऑनलाइन बेच रहा हूँ या फिर डायरेक्ट सेल कर रहा हूँ या फिर मेरा ये थर्ड पार्टी सेल है, इस टाइप की थी सेल है जिसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन सर, चैनल। प्रॉब्लम फिर से आने लगी। फिर से प्रॉब्लम आने लग गई है। हेलो, बहुत ज्यादा हो रखे है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। चलो ठीक है, फिर हम इसको रोक लेते हैं। तो अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा तो फायदा क्या है ना, जी अगर सुनाई नहीं दे रहा तो उसका फायदा क्या कर दिया। अगर आपको छोटा सुन, जी बिल्कुल कुछ कुछ छोटा सुन रहा है तो मैं आपको बस एक कंप्लीट करके, बस इसके कंसेप्ट में क्या रहता है, हम फिनिश गुड को हमारे नंबर चेंज अपने आप से दे सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, चलो राजीव भरा, तीसरा वाला इंधन।